बच्चे के विद्यालय स्कूल इसलिए सिलेक्ट करी है, उसके कई कारण है, क्योंकि विद्यालय स्कूल का एजुकेटेड रेपुटेशन बहुत अच्छा है, और हम मतलब बच्चों वो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के ग्रोथ में भी ध्यान देते हैं, करेक्टर डेवलपमेंट में भी ध्यान देते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं वो। विद्यालय स्कूल ज्वाइन करने के बाद हमारे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, उसको डिसिप्लिन में रहने की आदत हो गई है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की आदत हो गई है, और मेन उसको हाइजीनिक मतलब जैसा स्कूल में जो उसको बोला जाता है वो वही स्कूल घर में भी फॉलो करती है और स्कूल में भी वो फॉलो करती है। विद्यालय की सबसे अच्छी बात ये है जबकि वो और स्कूलों की तरह बच्चों पे पर्सनली ध्यान देते हैं, और स्कूलों में जैसे होता है कि वैसे विद्याधीश में हर क्लास में लिमिटेड स्ट्रेंथ है और वो हर बच्चे पे, ताकि वो लिमिटेड स्ट्रेंथ की वजह से हर क्लास में हर टीचर हर बच्चे पे पर्सनली ध्यान देती है। हमारा जो बच्चा है वो कभी स्कूल जाने के लिए मना नहीं करता, यहाँ तक कि उसको वेकेशन में भी स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। वैकेशन में वो पूछती थी मम्मा स्कूल कब खुलेंगे, मम्मा स्कूल कब खुलेंगे, तो हम उसे बोलते थे कि स्कूल खुलेंगे, अभी नहीं जाना है, अभी वैकेशन है, और उसको स्कूल जाने के लिए कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे और टीचर बहुत अच्छा व्यवहार है, उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई अननोन पर्सन से मिल रहे हैं या अननोन टीचर से मिल रहे हैं, और हर टीचर से उसको एकदम फैमिलर वाला सपोर्ट मिलता है, फैमिलर जैसा लगता है उसको हमारे बच्चे को। विद्यालय स्कूल में एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, जैसे कि बच्चों को हर चीज़ में पार्टिसिपेट का ऑप्शन दिया जाता है, पेरेंट्स को भी दिया जाता है, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी ये बोला जाता है कि आप भी अपने बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करें, ताकि बच्चे को भी पता लगे कि कौन सी एक्टिविटी में कैसे क्या करना है, और हर चीज़ में उसमें उसको बताया जाता है, पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है कि उसको कैसे हर चीज़ और हर फेस्टिवल हर एक्टिविटीज़ कैसे हमारे को और टीचर्स को सबको सेलिब्रेट करना होता है।